वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू फ्रेश ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर्स जो अभी कल या परसों रिजल्ट आया हुआ है, उनको मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जो भी नए बी सिविल इंजीनियर्स बने हुए हैं, जो न्यू अभी फ्रेशली ग्रेजुएट है, उन सबको मैं, जो पास आउट हो चुके हैं उनको भी, और जो पास आउट नहीं भी है उनको भी, पर उनका रिजल्ट है इसलिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, और उनको बधाई देता हूँ कि वो आज एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बन चुके हैं। अब इसके आगे की जर्नी पूरी बताऊँगा मैं, किस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसे मैंने स्टार्ट किया था, कैसे आपको भी स्टार्ट करना चाहिए ताकि आगे बढ़ने के लिए आपको आसानी हो, और कैसे चीज़ों को करना है तो आसानी जॉब पकड़ सकते हैं, या मास्टर्स के लिए जाना है, या बिज़नेस करना है, जो भी चीज़ें हैं उसको पूरी वीडियो देखना। छोटी सी वीडियो मैंने बनाया है कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आपको इस अवसर पर, इस मौके पर, इस ओकेजन पर आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ कि कैसे आगे बढ़ना है आपको आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग, और कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। ओके, तो ईच एंड एवरी थिंग एक बार और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, ईच एंड एवरी थिंग मैं बताऊँगा, पूरी वीडियो देखना। सबसे बड़ी चीज़ होती है आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग, दो चीज़ होती है, एक तो टेक्निकल, एक दूसरा होता है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका इंटरव्यूअर के सामने आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या चीज़ों को समझ के लेके चल रहे हैं, कितना आप उसके सामने कॉन्फिडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्डअप करने के लिए रेज्यूम उसमें आ जाता है। तो ये सर कैरियर प्लानिंग है, रेज्यूम है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसके बाद आप कैसे नई कंपनीज़ को ढूंढेंगे, फिर कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, कैसे सामने इंटरव्यू के सामने कॉन्फिडेंट रहना है, ये सारी चीजों के लिए द बेस्ट पार्ट। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं साल की लाख रुपए फीस देके, उसके बाद अप डाउन कर रहे हैं बहुत सारे, मतलब एक समझ लीजिए ना मोटा मोटा कि इंजीनियरिंग 10 लाख रुपए देकर करे हुए हैं। ओके, सो मैं रिकमेंड करूंगा ये कि आप, एक छोटा सा कोर्स है जिसका वर्थ प्राइस है 19,000 वर्थ प्राइस है, बट मैं आपके लिए लाया हूँ 999 प्लस GST के अंदर। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा जिस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, मेरी खुद की वेबसाइट, आप उस पर लिंक दिया, वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है, और अब मुझे आपका जो आप फॉर्म भरेंगे उस पर आपका लीड आ जाएगा मुझे, मैं आप सामने से कॉल कर लूँगा, या आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि मुझे चाहिए 999 प्लस GST में, जल्द से जल्द ले लीजिए, उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। रेज्यूम बिल्डिंग सबसे पहली चीज़, कैरियर प्लानिंग, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर आपको माइंडसेट कैसे बनाना है, गोल कैसे बनाना है, प्रोफेशनल सैलरी टू पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी करके कोर्स है, उसका नाम पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी। तो ये चीज़ें हो गई, आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, हो सकता है स्क्रीन पे भी चलता हुआ नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए, देखिए कॉल ना कीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं, देखिए ये चीज़ जो मैंने आपको बताया ना, ये YouTube पे आपको फ्री में भी मिल जाएगा, कुछ लोग फ्री में बता देंगे, बट जो एक जगह की चीज़ होती है कि एक जगह सब कुछ मिल जाएगा, 45 वीडियोस हैं उसके अंदर, उस कोर्स के अंदर, जिसको आपको ट्रेन कर देगा कितनी बार कितनी जगह। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि टेक्निकल राउंड तो छोड़ दीजिए, कम्युनिकेशन में ही फाड़ दिया मैंने और सब कुछ हो गया। आप भी उसी तरीके से कर दीजिए कि कम्युनिकेशन आपका इतना ज़बरदस्त हो तो आप भी इंटरव्यू क्रैक कर लीजिए। अभी देखिए कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको ज़रूरी करना ही करना है। सबसे पहले नंबर वन स्टार्ट करते हैं, ये तो हो गया कोर्स के बारे में, दूसरा नंबर वन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको चीज़ सेलेक्ट करना है कि आपको करना क्या है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, या मास्टर्स करना है। माइंडसेट, गोल, दो चीज़ बना के रखिए, ये वही कोर्सेज में बताया जाएंगे, माइंडसेट कैसे सेट करना है, गोल कैसे सेट करना है, उसके बाद आपका प्लानिंग क्या है, करियर की प्लानिंग क्या है, मतलब अभी बीई हो गया तो एमई करना है, एमटेक करना है, एमएस करने के लिए बाहर जाना है, या जॉब करना है, या बिजनेस करना है, क्या चीज़ करना है, ये माइंडसेट सबसे पहले, ये माइंडसेट बना लीजिए करना क्या है। अगर जॉब करना है तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है सीवी, आपका सीवी बना हुआ रहना चाहिए, आपका रिज्यूम बना हुआ चाहिए, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बर्निंग प्रॉब्लम है इंजीनियर्स की, प्रोफेशनल्स की, जो भी इंजीनियर्स हैं XYZ, उन सब के लिए ये कोर्स है, कोई ऐसा नहीं है सिविल के लिए कोर्स है, कोई भी ग्रेजुएट देख रहा है, इंजीनियर्स देख रहे हैं, कोई भी लाइन का देख रहा है, उसको उसके जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैरियर प्लानिंग, रिज्यूम बिल्डिंग, सब कुछ करना है, वो कोर्स में आपको मिल जाएगा। तो ये मैं चीज़ें आपको रिलेट करके बता रहा हूँ। ओके, सीवी रहना, क्यों कैसे, मान लीजिए आप घर पे बैठे हैं, कहीं से आपको ऑफर आ गया, कोई किसी ने रिफ़र कर दिया, आपका सीनियर है या आपका कोई पहचान वाला है, कोई कंपनी में आपको रिफ़र कर दिया, उसने फ़ोन किया या मैसेज किया कि प्लीज़ सेंड योर सीवी, जब आपके पास सीवी नहीं रहेगी तो आप सेंड कैसे करेंगे। तो आज के आज, अभी के अभी सीवी बनाइए,
चाहे कैसे भी किसी भी हेल्प किसी के भी हेल्प कीजिए, सीवी बनाइए। अगर ये कोर्स लेते हैं, ये कोर्स से भी आप सीख के बना सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब पर और गूगल पर सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है आपको सीवी। सबसे पहली चीज़ सीवी बना के रख लेना है। ओके, सीवी बन गई, उसके बाद करियर प्लानिंग तो हो चुकी है, पहले क्या करना है, सीवी बन गई, सीवी बनने के बाद फिर आपको लग जाना है कि कौन सी कंपनी में काम करना है, कॉन्ट्रैक्टर में काम करना है, डेवलपर में काम करना है, जहां पर आप रहते हैं उसके सराउंडिंग में चेक कर लेना है कि क्या क्या काम हो रहा है, कहां कहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको समझ लेना है कि कंस्ट्रक्शन हो कहां कहां रहा है और कॉन्ट्रैक्टर कौन है, बिल्डर कौन है। चीज़ों को देखिए, इंटर्नशिप मिलता है इंटर्नशिप ले लीजिए, जॉब मिलता है जॉब ले लीजिए, इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है वो भी ले लीजिए। तो ये सारी प्लानिंग अभी आपको इनिशियल, ऐसा नहीं कि मैं बैठ गया इंजीनियर बन गया हूँ, एक महीना आराम करूँगा, दो महीना आराम करूँगा, नहीं, वो सारी चीज़ें भूल जाइए। एक हफ्ता, दस दिन, पाँच दिन बहुत हो गया, वैसे भी रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट आते आते आप तो वेट कर ही रहे थे, ओके, एंजॉय कर ही रहे थे, बट अभी सीरियस हो जाइए और लाइन में घुस जाइए। चाहे कहीं भी काम मिलता है आप पकड़ लीजिए, आप बैचलर्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरिट तो नहीं है, ओके, तो बैचलर्स हैं कहीं भी काम मिले पकड़ लीजिए, कर लीजिए उसको, छोड़िए नहीं, छोड़िए नहीं। आते ही साथ अगर बड़ी कंपनी में लगता है तो ठीक है, L&T, लोधा, दोस्ती, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, ओबेरॉय, जितनी भी बड़ी कंपनी है उसमें लगता है तो ठीक है, चलो जो भी आपके एरिए में जो भी बड़ी कंपनीज हैं उसमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, बट अगर नहीं भी मिलती है तो उसके चक्कर मत रहिए कि मुझे L&T मिलेगा तो ही काम करूंगा, मुझे लोधा मिलेगा तो ही काम करूंगा, मुझे DLF मिलेगा तो ही काम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं, वहां पे अगर बोला जा रहा है कि 10,000 सैलरी है, तो ये मत सोचिए कि मैं एज ए इंजीनियर मुझे 25,000 ही चाहिए पर मंथ, अदरवाइज मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सैलरी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, आप उसको ले लीजिए, बिना झिझक रुकिए नहीं, उसी वो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा, वहां से आप बड़े होते जाएंगे, आपका पैकेज बड़ा होता जाएगा विथ नॉलेज, लर्निंग माइंड लेके चलिए। मैं एक माइंडसेट का पॉइंट दे दूं, जो भी आप फ्रेश ग्रेजुएट से लर्निंग माइंड लेके चलिए तो बहुत आगे जाएंगे, चाहे कुछ भी, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे एमटेक हो। एमटेक की बात आ जाती है, ये बात मैंने बता दी, अभी एमटेक पे आ जाते हैं कि अगर मास्टर्स किसको करना है। देखिए, जो जिसको प्रोफेसर बनना है, ओके, वो मास्टर्स कर लीजिए। जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कोई इशू नहीं है, आपको फाइनेंशियल घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, जॉब नहीं करना, पैसा कमा के नहीं देना है, अभी बिजनेस नहीं करना, बहुत टाइम है अभी आपके पास, आप मास्टर्स कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पास पैसा ही पैसा है तो फिर आप जाइए MS कीजिए, बाहर कीजिए, जहां आपकी मर्जी जो करना है वो कीजिए। अगर वो सब माइंडसेट नहीं है, देखिए दो चीज़ बता दिया, जॉब के बारे में बता दिया, उसके बाद मास्टर्स के बारे में बता दिया, अभी तीसरी चीज़ बिजनेस करना है। तो बिजनेस को पहले सीखिए क्या चीज़ होता है, जिसमें भी बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करना है, पहले दो चार महीना उसमें जो लाइन में जॉब कर लीजिए, समझ लीजिए, या कोई आपका रिलेशन वाला है, कोई रिलेटिव है, कोई कुछ भी है, तो उसमें आप जाके सीखिए, समझिए, उसके बाद बिजनेस चालू करिए। डायरेक्ट आपके पास पैसा, ये नहीं कि डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दीजिए, आप इन्वेस्ट मत कीजिए, पहले लाइन को सीखिए, समझिए कि क्या चीज़ है, मुझे कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं होता है, अगर मैं ऐसे करूँगा तो क्या, क्योंकि देखिए वही बिजनेस कोई जाहिल भी कर रहा होगा, इलिटरेट पीपल कोई कर रहा होगा, अनएजुकेटेड, बट आप एज अ एजुकेटेड पर्सन, एज अ इंजीनियर, उसको और तरीके से नरिश करके, उसको नर्चर करके, उसी तरीकों को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म बना के आप उसको बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये चीज जिस मैंने बना दिया, लेकिन बैठे नहीं रहना, ये याद रखिए कि आज से ही काम शुरू करना है, सबसे पहले सीवी बना के ले लेना है, विदाउट सीवी नहीं करिए अगर जॉब पे जाना है तो। बिजनेस करना है तो बिजनेस माइंडसेट का जो चीज जाना, दूसरे दिन से ही लग जाइए कि मुझे इसमें जाना है, तो मैं आज इसी, कोई भी जो लाइन आपने सेट किया, जो लाइन आपने सोचा उसी पे आप घुस जाइए, समझ लीजिए कि कौन है बंदा जो मुझे ट्रेन कर सकता है, कौन कहां पे मैं जा सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, ये सारी चीजें। बाकी मास्टर्स है, MTech है, तो आप कोई कॉलेज चूज कर लीजिए, बेस्ट कॉलेज कौन सा है। अगर उसके बाद जॉब करना है तो वो भी समझ लीजिए कि कौन प्लेस करता है, क्या करता है, जैसे निकमार हो गया, उसके बाद आपका अमिटी यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारी बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, जो प्लेस भी कर दी अच्छे अच्छे पैकेजेस में, तो ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट पॉइंट बोलूँगा कि अगर डिज़ाइन में जाना है तो MTech कर लीजिए, बहुत बेस्ट है, स्ट्रक्चरल से MTech कर लीजिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है फिर, डिज़ाइन एज अ डिज़ाइन इंजीनियर, एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपका MTech रहेगा तो परफेक्टली आप उस चीज़ों को कर सकते हो। तो लास्ट एंड फाइनल कंक्लूजन ये बोलूँगा कि अभी तक अगर आपने इनरोल नहीं किया हुआ है तो व्हाट्सएप कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी का जो छोटा सा कोर्स है 19,000 का, अभी 999+ GST में चल रहा है, जो वो आप इनरोल कर सकते हैं, वहां पे वेबसाइट का लिंक है, वहां भी रजिस्टर कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां भी जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कुछ दिन के लिए उसके बाद हट जाएगा, हमेशा के लिए। आप कभी भी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लिंक में, वेबसाइट में आप जाके वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज गाइस, फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं न्यू फ्रेशली ग्रेजुएट इंजीनियर्स को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए।